देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है। लेकिन एक सेकंड, जब शीशा टूटा ही नहीं तो हाथ से खून कैसे निकला? इतने प्यार से सजा रही थी बेचारी, इसने एक झटके में सब एक कर दिया। भाई जो बाहर हुआ उसका गुस्सा अपनी गर्लफ्रेंड पे क्यों उतार दिया? आपको पता ही है इतना गुस्सा क्यों कर रहा? ये गया था बाल कटाने, फिर देखो क्या हुआ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, इसलिए गुस्सा था बेचारा। ये लोग इंडियन आर्मी के नाम से भीड़ लूटना कब छोड़ेंगे? बेटे कौन हो तुम? सर मैं आतंकवादी का बेटा हूँ। क्या? लेकिन मैं आतंकवादी नहीं, फौजी बनना चाहता हूँ। कल रात में अपने घर से भाग गया असली फौजी बनने के लिए। फौजी बनने के लिए घर से भाग गया? फौजी बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, यूं ही फौजी नहीं बन जाते। अगर तुम्हें फौजी बनना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चलो। ये तो फैजान भाई है। बेटा तुम जल्दी से वहाँ पर छुपो। और भाई जी कैसी चल रही है ड्यूटी? हाँ सही चल रही है भाई जी। अच्छा ठीक है, तुम ड्यूटी करो, मैं छोटी नंबर दो का राउंड लगा कराता हूँ। ये तो भाई है, इतना बड़ा ये है, इस पे गन का भजन ना चले। और इसने एक फौजी को मार दिया गन से। कितना भरोसा करके लाया था मैं तुझे, आज पता चल गया आतंकवादी आतंकवादी होता है। आज मैं उनको नहीं मारता तो हमारा देश खतरे में आ जाता। आज रात को बम देंगे जो तुम्हें मोटर पे लगाना है। और बेफिक्र रहे, तुझे तेरे सारे पैसे मिल जाएंगे। ये तो मेरा पापा है, आज मैंने इनको नहीं मारा तो हमारा हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। अभी तो ये बच्चा फौजी बना भी नहीं है, इसे गन किसने दे दी? मुझे क्या पता। आज मैं तुम्हें मिलवाऊंगा पाकिस्तान के माइंडेड चोर से। गाड़ी की टंकी में कील ठोक के पेट्रोल चुराया जा रहा है, और वो दोनों तो दूसरे प्लेनेट से हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है पृथ्वी पे चल क्या रहा है। उस बंदे ने इतनी जोर से कील ठोकी पूरी गाड़ी हिल गई, मगर इस बंदे को चूतक की आवाज नहीं आई। और वो इतनी ध्यान से मीटर देख रहा है कि एक बूंद भी पेट्रोल कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सेकंड, मीटर पे ध्यान देना, मीटर तो चल ही नहीं रहा। लो भाई, चोर चोरी करके भी चला गया और इन दोनों को कुछ पता भी नहीं चला। भाई जान, आपकी टंकी फुल हो गई। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं है तुम। खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। 10-15 लड़कों का चूतिया काटने के बाद जब लड़की की शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से होती है तब लड़की मुझे लगता है लड़की अपने घर वालों से कुछ ज्यादा ही परेशान थी। और ये क्या हो रहा? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई लड़का जब घर जाके पैंट उतार के देखेगा तो उसे सूजी मिलेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।